नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों? आप यहाँ आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रहे हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, चारवीं कक्षा में यानी फोर्थ स्टैंडर्ड में हमने पिछले पार्ट में क्या देखा आपको याद में है? हाँ, पार्ट छः मैंने आपको लिया था और उसमें क्या टॉपिक लिया था, शीर्षक नहर का पानी। हाँ, इसमें कितने चरित्र चित्रण आए थे आपको याद में है? पहले कश्मीर सुंदर जगह दिखा था और उसमें एक अच्छा सा नदी दिखाया था, कश्मीर का नदी। और शाहजहां हाँ बादशाह थे, वो राजा थे। और बैरमा खा नूरजहां का भाई था, नूरजहां को भी दिखाया था मैंने चित्र में, बैरमा खा को भी, है ना बच्चों? और वहाँ के एक अच्छा सा एक नौकर को, वफादारी का नौकर का चित्र दिखाया था। और कौन थे? हाँ, दो सुंदर बाग, एक शाहजहां का था। कौन सा था शाहजहां का बाग? शालीमार। और कौन सा बाग बैरमा खा का था? निशान बाग। दोनों सुंदर बाग थे, है ना बच्चों? ये मैंने आपको पिछले पार्ट में चलाया था। आज मैं आपको नए पार्ट में क्या सिखाने वाली हूँ, एक अच्छा पद्य, पार्ट आठ में एक सुंदर पद्य मैं आपको पोएम के रूप में सिखाऊंगी। उसका नाम है मत रुकना। ये देखो बच्चों, हमने पिछले पार्ट में कौन सा जगह देखा था और क्या बाग देखा था। हाँ, कौन से राजा को देखा था, है ना बच्चों? हाँ, कश्मीर जगह में देखो कितना सुंदर नदी बह रहा है, और नूरजहाँ है, शाहजहाँ है, शालीमार बाग है, निशात बाग है, और बैरमाखा के चित्रों को भी मैंने आपको पिछले पार्ट में दिखाया था। और क्या दिखा था? एक वो नौकर, वफादारी नौकर, है ना बच्चों? हाँ बच्चों, हमने उसके बाद क्या किया था? हाँ, इस कहानी को हम आप छोटे से रूप में देखेंगे। अच्छा बच्चों, हमारे शाहजहां का बाग कौसा था? मैं सवाल पूछ रही हूँ आपको। हाँ, शालीमार बाग। बैरमाखा का बाग कौसा था? निशान बाग, है ना बच्चों? दोनों सुंदर बाग थे, पेड़ फल फूल सब वहाँ पे था और इतना सुंदर था। और दोनों को कौन सा पानी जा रहा था? कश्मीर में शाहजहां का नहर का पानी। अचानक क्या हुआ? हाँ, शाहजहां का बाग मुरझाने लगा और निशान बाग बहुत सुंदर ही था। इससे शाहजहां बहुत दुखी हुए और उन्होंने बैरमाखा से क्या मांगा? तुम मेरे निशान बाग को तुम मुझे दे दो, ऐसे बोला था। लेकिन बैरमाखा को भी निशान बाग बहुत पसंद था ना, है ना बच्चों? इसलिए उसने मना कर दिया। इससे शाहजहां बहुत गुस्से में आकर उन्होंने क्या किया था, नहर के पानी को स्टॉप करा दिया। हाँ, और निशान बाग भी क्या हो गया, मुरझाने लगा जैसे शालीमार बाग। और अंत में क्या हुआ? हाँ, उनका एक वफादारी सुंदर नौकर, उसने क्या किया था, अपने राजा बैरमाखा के दुख को नहीं देखा गया। अचानक एक दिन उसने क्या किया था, रात में जाकर नहर के पानी को खोल दिया और दूसरे दिन देखा तो हाँ, निशान बाग बहुत सुंदर फूल खिलने लगे। तब शाहजहां को इतने में वो बात चली गई, तब बैरमाखा ने डर गया और बोला कि तुमने क्यों नहर का पानी खोला, जाके उसे बंद करो। तब तक बादशाह को ये न्यूज़ चला गया, ये समाचार चला गया, और उसने उस वफादारी नौकर को बुलाया था। वो लोग बंदी बना के लेकर आए थे वहाँ के सोल्जर्स, हाँ वीरों, और उन्होंने बोला कि मेरे बादशाह का, बैरमाखा का राजा का, वो एक अच्छा सा नौकर, वफादारी नौकर था, उसने बोला कि मेरे राजा के दुख को मैं देख नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने ये काम किया था। और राजा ने बहुत खुश हुए थे, शाहजहां ने, और बोला कि इतना वफादारी नौकर आओ कहीं भी नहीं मिल सकता। उसने उसे बहुत सम्मान किया था, रेस्पेक्ट किया था और मर्यादा दिया था। और अंत में दोनों बाग को पानी देकर, हाँ, दोनों बाग और सुंदर होने लगे और फिर खिलने लगे। ये हमने पिछले पार्ट में ये कहानी में देखा था, है ना बच्चों? आज मैं आपको नए पार्ट में मत रुकना एक सुंदर पद्य आपको चित्रों के साथ सिखाकर मैं गाना सिखाऊंगी। ये देखो बच्चों, आज मैं आपको नए पार्ट में, हाँ, पार्ट आठ पद्य मत रुकना, इसे मैं आपको आज मैं सिखाऊंगी। हाँ, पहले मैं आपको पोयम एक बार चला देती हूँ। मत रुकना ओ बढ़ने वाले, मत रुकना ओ बढ़ने वाले, मत रुकना ओ चढ़ने वाले, आवे आंधी लाख भवंडर, आवे आंधी लाख भवंडर, तूफानों से भरे समुंदर, तूफानों से भरे समुंदर, मत डरना रन नलने वाल, मत रुकना ओ बढ़ने वाल, मत डरना रन लड़ने वाले, मत रुकना ओ बढ़ने वाले। ये देखो बच्चा, पोएम का कंटिन्यूशन मैं करूंगी।
कांपे चाहे धरती माता, कांपे चाहे धरती माता, बरसावे अंगारे विधाता, बरसावे अंगारे विधाता, मत हटना वो लड़ने वाले, मत हटना वो लड़ने वाले, हट जाना वो बढ़ने वाले, हट जाना वो बढ़ने वाले, कांटे हो या पत में रोड़े, कांटे हो या पत में रोड़े, वीर नहीं पत से मुंह मोड़े, वीर नहीं पत से मुंह मोड़े। हाँ, झंडा ऊंचा रखने वाले मत रुकना ओ बढ़ने वाले, झंडा ऊंचा रखने वाले मत रुकना ओ बढ़ने वाले, दौड़ हिमालय से टकराना आसमान पर फर्श बनाना, दौड़ हिमालय से टकराना आसमान पर फर्श बनाना। पहले मैंने आपको पद्य बहुत सुंदर से सिखाया है, ये घर में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। ये देखो बच्चों, हाँ, ये पहला स्टैंसा में यानी पद्य में, मत रुकना ओ बढ़ने वालों, मत रुकना ओ चढ़ने वा, आवे आंधी लाख भवन डर तूफानों से भरे समुद्र, मत डरना रन लड़ने वाल, मत रुकना ओ बढ़ने वाल। मत रुकना इज अ व्हाट, डोंट स्टॉप, स्टॉप नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहो। वो बच्चे दोनों वैसे ही बोल रहे थे, वो लोग आगे बढ़ते हैं। वही है मत रुकना और चढ़ने वाले, चढ़ने वाले में से ऊपर ऊपर जाना। आवे आंधी लाख, ये देखो कितना बड़ा तूफान है, कितना भी बड़ा आपको तकलीफ आए तो भी, हाँ, आप लोग कभी भी क्या करना चाहिए, तूफानों से भरे समुद्र, तूफान हमारा समुद्र में तूफान आए तो क्या होगा, पूरा सागर बाहर आएगा, पानी का इतना ऊंचा बाहर आएगा ना, ये देखो कितना बड़ा तूफान है। और इस तूफान से भी हम रहेंगे तो हम किसी से डरना नहीं, रन लड़ना चाहिए। हाँ, युद्ध में हम क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए, किसी को मत रुकना और बढ़ने वाल, तुम लोग डोंट स्टॉप, आगे बढ़ो। कितना भी बड़े तूफान आए तुम्हारे जिंदगी में, कितना भी बड़े बड़े तकलीफों को आप टॉलरेट करें, समुद्र में कितना बड़ा तूफान आए तो समुद्र कैसा रहेगा, हाँ, पूरा पानी ऊपर आके तूफान हवा में उड़ेगा, है ना बच्चों, वैसा है तूफान, उतना बड़ा तूफान तेरे जिंदगी में रह गए, तू मत डर, उससे युद्ध कर, रन, हाँ, लड़ाई करके जीतो, मत रुकना ओ बढ़ने। ये देखो बच्चों, हाँ, उसका दूसरा स्टैंसा में पंक्ति में, कांपे चाहे धरती माता, बरसावे अंगारे विधाता, मत हटना ओ लड़ने वाल, हट जाना ओ बढ़ने वाल। हाँ, हमारे धरती माता कितना भी कांपे, कांपे मीन्स फियर, हाँ, बरसावे अंगारे, देखो कितना बड़ा बर्निंग फायर है हमारे जिंदगी में, हमारे धरती माता के लिए भी भय आए तो, हाँ, और बरसावे अंगारे, कितने भी बरसावे हमारे जिंदगी में बर्निंग फायर आवे तो भी हमें उसे डरना, विधाता, डरना नहीं चाहिए, मत हटना, तुम्हें कितना भी अपने रास्ते में तकलीफ हो उसे हटना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए, यू हैव टू फाइट। ये वीर लोग करते हैं हमारे धरती माता के लिए, हमारे वीर लोग सोल्जर्स क्या करते हैं, हाँ, डरते नहीं, बरसावे अंगारे, उनके ऊपर कितने भी बरसावे अंगारे की बारिश होती है वो डरते नहीं, मत हटना, कभी भी हटना, आगे बढ़ो, लड़ो, हट जाना वो बढ़ने वालों, हाँ, तुम लोग मत हटना, हट जाना नहीं अपने रास्ते से, आगे बढ़ना। ये देखो बच्चों, कांटे हो या पत में रोड़े, हाँ, कांटा देखो कितना शार्प है ना बच्चों, हाँ, और पैरों में, अंगली में, और जो बदन में हमें चुभता है तो कितना दर्द होता है, दर्द का मतलब क्या है, पेन। ये हमारे रास्ते में रोड़े तो भी, हमारे रोड़ना मीन्स रास्ते में रहते भी हमें क्या करना चाहिए, उसे देखकर हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए, उसे हटाकर दूसरे जगह में जो किनारे पे डालेंगे तो किसी को, हाँ, नष्ट नहीं हो। ये हमारे जिंदगी में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, है ना बच्चों, हाँ, हमारे वीर लोग देखो कितना भी अपने जिंदगी में कांटा हो तो उसे क्या करते, हटाकर अपने देश की रक्षा करते हैं, हमारे भारत माता की रक्षा करते हैं, सेव करते हैं, है ना बच्चों, उनके जिंदगी में इतना भी कांटा रहेगे तो उसे हटाकर, दूर हटा के हमारे देश की रक्षा करवा ले, हमारे वीर हैं।
ये देखो बच्चों, हमने कांटे हो या पत में रोड़े, वीर नहीं पत से मुंह मोड़े, ये है सोल्जर्स, हमारे देश की रक्षा करने वाले। हाँ वीरों, ये कभी भी उनके रास्ते में कितना भी तकलीफ हो, कितने भी कांटे हो, उसे हटाकर उन तकलीफों को दूर करके हमारे धरती माँ को कांपने से बचाते हैं। कितने भी अंगारे उनके जिंदगी में बरसे, फायर बर्निंग, वो सब उन्होंने क्या करते हैं, टॉलरेट कर सह कर अपने बीवी बच्चों माँ भाई बहन सबको छोड़कर ये हमारे देश की रक्षा करने के लिए सबको त्याग कर सैक्रिफाइस करके ये हमारे देश को बचाने के लिए, हाँ हमारे देश को बचाने के लिए क्या करते हैं, कितने जिंदगी में तान हो, तान का मतलब क्या है, मुल्लु तमिल में बोलते हैं, हाँ कांटे और उनके रास्ते में हो और हटना नहीं आगे बढ़ना है, ऐसे बोलता है ये पद्म। ये हमारे सोल्जर्स के लिए, हमारे वीरों के लिए है, वो कभी भी मुंह नहीं मोड़ते, हाँ कोई भी हेसिटेट नहीं करते हैं, क्योंकि उसी काम के लिए वो लोग आए। हम लोग इतने खुशी से यहाँ पे है तो कौन हमारी रक्षा करे, हमारे वीरों ने, है ना बच्चों, हाँ वो बॉर्डर में खड़ कर हमारी रक्षा कर, हम लोग आराम की नींद सो रहे, वो नींद के बिना, खाने के बिना, बारिश में, धूप में, सबको टॉलरेट करके अपने बीवी बच्चों सबको छोड़कर वो वीरों कभी भी अपने पथ से मुंह नहीं मोड़ते, कितना भी उनके जिंदगी में कांटा रहे, है ना बच्चों, वीर सभी के लिए बहुत अच्छे सेव मैन है। ये देखो बच्चा, हाँ ये क्या है, हमारा देश का झंडा, राष्ट्रीय झंडा है, नेशनल फ्लैग, हाँ इसे हम गर्व से, हमारे वीर लोग गर्व से उठा के वो जाते हैं हमारे देश के उस कॉर्नर में से लगाया है, है ना बच्चों, झंडा ऊंचा रखने वाला मत रुकना और बढ़ने वाला, हमारे वीर लोग कभी भी रुकते नहीं है, हमारे झंडे को कितने रेस्पेक्ट से, हाँ कितने मर्यादा से वो हाथ में लेते हैं और झंडे को फहराए, हाँ हौस करके बहुत सुंदर सा वो दिखाते हैं। और हमारे झंडे में कितने रंग है, 3 रंग है, हाँ नारंगी, सफ़ेद, हरा, हाँ वो बीच में चक्रा है ना बच्चों, हाँ इस प्रकार हमारा झंडा बोल देखने के लिए भी गर्व होता, दूसरे देश के झंडों से भी हमारा झंडा हमें प्यारा है और गर्व से हम लोग बोल सकते हैं। इसी प्रकार वीर लोग गर्व से हमारे झंडे को उठा के दिखाते हैं, है ना बच्चों, झंडा ऊंचा रखने वाला, को झंडा ऊंचा हमारा रखता है वो कभी भी रुकता नहीं, अपने कामों में मुंह नहीं मोड़ता और देश की सेवा करता, वो है हमारे वीर, ये है हमारा झंडा, हम गर्व से कह सकते हैं। ये देखो बच्चों, हाँ दौड़ हिमालय से टकराना, हाँ देखो ये हिमालय से हम टकरा सकते हैं, हाँ इस प्रकार इसका अर्थ क्या है, इस प्रकार हिमालय जैसे हमें कितना कठिन हो तो हमें उससे लड़ना चाहिए, टकराना चाहिए। हमारे सोल्जर्स को देखो, कितना भी हिमालय बड़ा डिफिकल्ट तकलीफ आए तो भी वो टकरा कर हमारे देश की रक्षा करते हैं, है ना बच्चों, दौड़ हिमालय से टकराना, पहला झंडा ऊंचा रखने वाला मत रुकना वो बढ़ने वाला, हमारे झंडे को गर्व से हम बोल सकते हैं और उसी को हम अपने हाथ में गर्व से लेते हैं। मत रुकना वो बढ़ने वालों, कभी भी अपने रास्ते से मुंह नहीं मोड़ना, कितने भी तकलीफों को आप लोग टॉलरेट करके आप आगे बढ़ना, और दौड़ हिमालय से टकरा, जाके हिमालय से टकराओ, लड़ाई करो, इसका अर्थ क्या है, हाँ कितना भी बड़े बड़े हिमालय जैसे माउंटेन जैसे आपको तकलीफ आए तो भी डरो मत, हाँ फियर मत करो, हमारे वीर सोल्जर किसी प्रकार के फियर नहीं करते, कितना भी तकलीफ हो हमारे देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए वो कितने बड़े मुश्किल को भी सामना करते हैं, उसी प्रकार हमारे जिंदगी के, हाँ हिमालय के जैसे कितने तकलीफों को हम टकरा सकते हैं। ये देखो बच्चों, हाँ आसमान पर फर्श बनाना, हाँ फर्श का मतलब क्या है, हाँ आप लोग बहुत अच्छा घर के रूप में, इस प्रकार क्या है, कितना भी तकलीफ आने पर भी हमें जीत के दिखाना है ना बच्चों, हाँ फर्श बनाना चाहिए, आसमान पर फर्श बनाना, आप लोग वो मुसीबतों को आसमान में लेकर जाके उसे पूरा करके आप जीत सकना है, हाँ इस प्रकार आसमान पर फर्श बनाना है, दौड़ हिमालय से टकरा वो कितने मुश्किल भी आने पर, उसके बाद आप लोग आसमान पर फर्श बनाना, ये से पद्य आपको यहाँ पे हो रहा। ये देखो बच्चों, कठिन शब्दार्थ में तूफान, टाइफून, रन, बैटल, पथवे, फर्स्ट फ्लोरिंग, कांपना, टुश्वर, और एक बार बोल के देती हूँ,
तूफान टाइफून रन बैटल पथवे फर्श फ्लोरिंग कांपना टिश्व। और पढ़ो और लिखो में क्या क्या शब्द दिया देखो बच्चों। भवंडर 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 समुंदर सा माप्लेजु मू इंदर समुंदर फर्श फ इर श फर्श तूफान ता प्लस वो तू फा प्लस आ फा इन तूफान रोडे रा प्लस वो रो डा प्लस ए रोडे। ये देखो बच्चों हाँ मत रुकना ओ बढ़ने वालों ये है पहले खाली जगह भरो में मत रुकना ओ बढ़ने वालों। आवे आंधी लाख भवंडर ही डैश है हाँ कापे चाहे धरती माता हाँ कापे चाहे पहले में आएगा हाँ। और वीर नहीं पथ से मुंह मोड़े हाँ पथ से इसे मुंह मोड़े नहीं वीर नहीं पथ से मुंह मोड़े। और उसके बाद देखो हाँ आसमान पर फर्श बनाना फ्लोरिंग आसमान पर क्या बनाना है फर्श बनाना ये है खाली जगह भरो। और सही और गलत में देखो रन लड़ने वाले तुम मत डरना हाँ रन लड़ने वाले तुम क्या करना नहीं मत डरना कभी भी लड़ने में चाहिए युद्ध लड़ने से सही। धरती माता कभी कांपती नहीं है, है ना बच्चों हाँ वो कभी भी डरती नहीं है ये गलत है इसमें डरती है बोला है मैंने। वीर कभी पथ से मुंह नहीं मोड़ते सोल्जर्स कभी भी अपने रास्ते से मुंह नहीं मोड़ते ये सही है। झंडा ऊंचा रखने वाले मत रुकना ओ बढ़ने वाले सही है। एक वाक्य में उत्तर आप लोग पढ़िए बच्चों और दो वाक्य में उत्तर में आपको पूरा पढ़वाऊंगी। अच्छा बच्चों आपको अब याद में है हाँ जो पद्य मैंने आपको चलाया था उसे बार बार बोलकर देखो बच्चों। और उसके बाद क्या कीजिए हाँ गृह कार्य असाइनमेंट्स दिया जा रहा उसे हर वीक आप लोग पूरा घर में बैठकर पढ़िए बच्चों। प्लीज़ बच्चों आप खेलिए लेकिन बाहर मत जाइए घर में खेलिए क्योंकि ये COVID-19 की वजह से आज कितना मुश्किल बन गई आपको पता है ना बच्चों। आप प्लीज़ घर में बैठकर ध्यान से पढ़िए बच्चों जो पाठ मैंने आपको चलाया उसको आरते के साथ चलाया उसे पूरा एक बार ये पद्य को पढ़कर मेरे साथ ही देखिए बच्चों। और जो असाइनमेंट्स गृह कार्य पूरा दे रहे उसे पूरा कीजिए बच्चों धन्यवाद।